तो दोस्तों नमस्कार, मैं नवलाल कुशवाहा और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने आरके व्लॉग चैनल में। और सुबह के बज रहा है 6, आज है डेट 12 तारीख मंगलवार। और आज के दिन आप लोगों को अगर पता होना चाहिए कि आज 12th और 10th क्लास का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो कि फर्स्ट पेपर है हिंदी का, जिसमें से मेरा भाई भी उसमें से है, 10th क्लास में है, इसका एग्ज़ाम है। और सेंटर इसका इसी गोरखपुर में बख्शीपुर में गया हुआ है और कॉलेज का नाम है MSI इंटर कॉलेज। कॉलेज का नाम पता है, जगह का नाम पता है, बट कॉलेज उस जगह पर कहाँ पर है इसको पता करना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता है। तो मैं जा रहा हूँ इसका फर्स्ट टाइम पेपर दिलाने के लिए, इसको फर्स्ट टाइम गोरखपुर में इसका फर्स्ट टाइम पेपर है, 10th क्लासेस का फर्स्ट टाइम सेंटर जा रहा है, तो इसका पेपर मैं दिलाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, मैं साथ में व्लॉग भी बनाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, कमेंट ठोक देना, सब्सक्राइब मार देना भाई लोग अगर नए हमारे चैनल पर हो तो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छा लगे तो मार देना, ठीक है भाई, ठीक है। और चलो चलते हैं, ये तो तैयार हो चुका है, तैयार होकर के बैठा है, रट्टा मार रहा है, बस मुझे तैयार होना है। मैं नहा वहा चुका हूँ, खा पी चुका हूँ, ठीक है। वैसे तो 7 बजे तक मैं पेट पूजा कर लेता हूँ, बस कपड़े पहनना है। तो चलो चलते हैं, ठीक है, चलो। दोस्तों मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ, लकी भी तैयार हो गया, हम लोग को अब जस्ट निकलना पड़ेगा, क्योंकि 7:10 टाइम हो गया और 8:15 पे हमें वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि 8:15 पे वहाँ पर रिपोर्टिंग है, एंट्री रिपोर्टिंग, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूँ कि वहाँ पर ले जाने के लिए आपको क्या क्या सामान ले जाना है। दोस्तों सबसे पहली बात यह कि इलेक्ट्रिक सामान आप कोई भी चीज़ मत ले जाना, फ़ोन, कॉल्स, वॉच वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिक वाला वो आप मत ले जाना, क्योंकि वहाँ पर रोक भी सकते हैं, सब बाहर रख भी सकते हैं, ठीक है। एंट्री तो नहीं ही होगा, आपको इधर उधर रखना ही पड़ेगा, रखने से इधर उधर रखने से अच्छा आप ले मत जाओ। और ले क्या जाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड अगर भूल जाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पेन भूल जाओगे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मार्केट आपको मिलेंगे, स्केल पेंसिल खरीदने के लिए बहुत सारे दुकान मिलेंगे गेट के सामने, सेंटर जहाँ पे आप लोग का गया रहेगा वहाँ गेट के सामने आप लोग को मिल जाएगा ऐसे ऐसी दुकानें जहाँ पर आप पेन खरीद सकते हो, लेकिन एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा अगर आप एडमिट कार्ड भूल जाते हो तो। और दूसरी चीज़, आपको आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप आधार कार्ड को ले जाना मत भूलिएगा। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दो चीज़ आपको हमेशा ले जाना है हर पेपर में, तो उसको मत भूलिएगा ये दोनों चीज़। और सो चलो चलते हैं, हमें लकी भाई को लेट हो रहा है, और वैसे भी हम लोग को वहाँ पर जाते ही पहले सेंटर पता करना पड़ेगा, फिर सेंटर के बाद रोल नंबर पता है, बट सीट पता करना पड़ेगा, क्लास पता करना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं। और हम फाइनली आ गए लकी के सेंटर के पास, जहाँ पे लकी का एग्जामिनेशन सेंटर आया हुआ है, और कहीं और नहीं है, बख्शीपुर में है, NSI इंटर कॉलेज के नाम से। और इसका रोल नंबर भी हमने पता कर लिया, रूम नंबर 3 में आ रहा है, और सीट भी पता कर लिया हूँ। सो लकी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, अच्छा पेपर करके आएगा। और अगर आप लोगों में से किसी का पेपर है, आज एग्ज़ाम है, तो ऑल दी बेस्ट मेरे और हमारे भाई की तरफ से, अच्छा पेपर करके आना। सो चलो और चलते हैं, और वहाँ पीछे पीछे इसका सेंटर है। सो भैया लकी का पेपर स्टार्ट हो गया और डर रहा है, बस एक्चुअली असल में फर्स्ट टाइम पेपर जिसका होता है उसको डर लगता ही है। सो लकी चला गया, और देखते हैं, थोड़ा जाऊँ उसको क्लास तक छोड़ा हूँ, ठीक है। सो लकी आ गया एकदम अपना एग्जाम दे करके, और आइए पूछते हैं इसका एग्जाम कैसा गया। क्यों लकी, एग्जाम तेरा कैसा गया? बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन किए थे? अरे पूरा कर लिए थे। कितने नंबर का था पेपर? 70 नंबर का था। फेक तो नहीं ना रहे हो? अरे फेक ले रहे हैं बेटा, 60 नंबर पूरा करके। हाँ तो बेटा 60 नंबर करके ही आए हो तो अच्छी बात है, और ना दह जूता घर में खा। अरे भैया दह जूता से एक बात याद आ गया। क्या चीज? एक बच्चा फोन लेकर के आया था, अच्छा, साइलेंट भी नहीं किया था, और साइलेंट नहीं किया था, और अचानक से उसके घर वालों का फोन आ गया, और वहीं टीचर लोग पकड़ करके उसका कॉलर, दे जूता खूब मारे बेटा, दे जूता कहेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई। सही बात है यार, पेपर में आगे एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर फोन लेकर के जाते हो तो प्रिंसिपल तो धरेगा ही धरेगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यार, आप ऐसी कोई भी चीज़ मत ले जाओ पेपर देते समय, जिससे आप पे कोई इफेक्ट पड़े, आपके पेपर पे कोई इफेक्ट पड़े, आपके फ्यूचर पे कोई इफेक्ट पड़े। सो यार मत ले जाओ ना, क्या जरूरत है ले जाने का, 10 दिन की तो बात है, बिना फोन का नहीं रह सकते। हाँ नहीं रह सकते तो भाई पेपर देना छोड़ दो, मत आओ, लेकिन पब्लिक के सामने मार मत खाओ, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। इंस्टाग्राम पर आओ, बात करते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।
लव यू।